हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम ये डिस्कस करवा क्लास टेन रो फिजिकल साइंस रो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जहाँकि तुम एसए वन एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो स्टार्ट करवा। सो स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवा पूर्व तुमको आगर गोटे कथा कहूँ। देख, लास्ट ईयर मीनस 2022 रे जो एसए टू एग्जाम होता तो से मो एग्जाम पूर्व किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दे थी। तो फिजिकल साइंस हो कि लाइफ साइंस रो मुझे जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे थी तो से 100% तुम एग्जाम आसी। तुम जदि देखापी चाहो तो मोर प्रीवियस वीडियो गुड़ाक ओपन करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिपार। प्राय 100% क्वेश्चन पूरा सेम एग्जाम आसी ठीक अच्छे ना। एवं देख, एबे भी मुझे तुमको जो क्वेश्चन गुड़ाक देवी तो से गुड़ाक भी तुम एग्जाम आसवर चांसेस बहुत रही। मीनस मुझे तुम 100% से ही आसो कि इंपोर्टेंट बहुत रही तो से भितर बहुत क्वेश्चन आसपे ठीक अच्छे ना। तो चलतु बर्तमान फास्ट चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फास्ट आम देखा रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देख, तुम एग्जाम 5 मार्क क्वेश्चन आसो ना, तुम 3 मार्क क्वेश्चन 3 रो से 4 मार्क क्वेश्चन गोटे रोज 2 मार्क क्वेश्चन गोटे रोज। मीनस तुम जो फिजिकल साइंस रु 15 मार्क्स आसो तो से लाइफ साइंस रु 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन रीक अच्छे ना। ताहल देखो फास्ट आम देखा तो फास्ट चैप्टर में कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही। तो देख, क्वेश्चन नंबर 1 रे कौन अच्छी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहती गोटे लेखाए उदाहरण सहित संश्लेषण विघटन विस्थापन और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया क्या कहती बुझाओ बोली कही। देख, एक्चुअली कह 5 मार्क किंतु एथिरु तमरो डिवाइड करके मीन्स तुम 3 मार्क आसी पारे किंबा 2 मार्क आसी पारे किंबा 4 मार्क भी आसी पारे। ताहल देखो ये कौन फास्ट आम क्वेश्चन हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहते पड़ो। तो से ही आम जो विभिन्न प्रतिक्रिया गुड़ाक रही गोटे हूँ संश्लेषण प्रतिक्रिया, नेक्स्ट विघटन प्रतिक्रिया, नेक्स्ट आसला विस्थापन प्रतिक्रिया एवं कौन द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। तो ये जो 4 प्रतिक्रिया को भल भाव पढ़ी एवं गोटे लेखाए उदाहरण सहित तुम पढ़ ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा सेकेंड क्वेश्चन कौन जारण और विजारण कौन। मीन्स देख, जारण विजारण क्या कहते तुम्हें पढ़ो तो से जारक एवं विजारक। मीन्स देख, गोटे इक्वेशन दे इक्वेशन में जारक कौन पचारिपे कि विजारक कौन पचारिपे तो जारण विजारण भल भाव पड़ थ। नेक्स्ट आसमर ताप शोषी एवं ताप उत्पादी प्रतिक्रिया, ताप शोषी एवं ताप उत्पादी प्रतिक्रिया पढ़ो। नेक्स्ट आसला अवक्षेपण प्रतिक्रिया जोटा कि आमर कौन द्वैत विस्थापन रही द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया तमरो अवक्षेपण प्रतिक्रिया रही। तो नेक्स्ट आसला संख्यारण व सढ़ा अवस्था आम जानी संख्यारण मीन्स हूँ कौन धातु गुड़ाकर जो क्षय होगा अवस्था को आम कौन कह संख्यारण बोली कह। नेक्स्ट आसला सढ़ावस्था मीन्स हूँ कौन जहाँकि तुम बहुत दिन धरी रखी खाद्य गुड़ाक तो सी सब हूँ आम सढ़ा अवस्था ठीक अच्छे। ताल देख, तुम फास्ट चैप्टर में एति हूँ तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक तो एति पार्ट को तुम भल भाव कभर कर। देख, मन रख यू पार्ट गुड़ाक तुम बहुत तुम पढ़ बही तुम भल भाव पढ़ीदेव सबुतिर गोटे गोटे एग्जाम्पल सहित बही भल पढ़ ठीक अच्छे ना। तो नेक्स्ट आम देखा सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक आम देखा सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो फास्ट क्वेश्चन हूँ कौन पीएच क्या कहती आमर दैनंदिन जीवन में पीएच रनो गुरुत्व लेखापी कही। मीन्स देख, आम पीएच क्या कहते पढ़ा तो से ही आम दैनंदिन जीवन में जो पीएच रो गुरुत्व गुड़ाक रही मीन्स आम परिपाक अवस्था पीएच रुत्व रही तो से ही आम जो पीएच रन दंत क्षय कारण तो यही सब गुरुत्व गुड़ाक तुम पढ़ो। नेक्स्ट आसला सेकेंड हूँ कौन लघुकरण कौन एवं प्रशमनीकरण कौन ठीक अच्छे। तो ये दुटा टी भल भाव पढ़ी थी लघुकरण एवं प्रशमनीकरण। नेक्स्ट आसला 3 नंबर देख सोडियम हाइड्रोक्साइड बा क्लोरो अल्कली प्रणाली कौन। देख, आम जानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किपर उत्पन्न होन्स जदि आम विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण में जदि आम प्रवाहित करवा सोडियम क्लोराइडटा विघटन हो कि तो से सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होउछि तो से जो उत्पन्न होगा प्रक्रिया को ही आम कौन कह क्लोरो अल्काली प्रणाली बोली कहिबा ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे भल भाव पढ़ो। नेक्स्ट आसला ब्लीचिंग पाउडर खाइबा सोडा एवं धोइबा सोडा। देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर खाइबा सोडा एवं धोइबा सोडा एतिकर प्रस्तुति एवं व्यवहार तो यहाँ को भल भाव पढ़ो। नेक्स्ट आसला आम प्यास्टर अफ प्यारिस मीन्स आम जो जिप्सम को आम के 373 केल्विन में आम जब गरम करवा प्यास्टर
प्यास्टर प्यारिश उत्पन्न होची तो प्यास्टर प्यारिश किपर उत्पन्न होची तार व्यवहार भल भाव में पड़ो ठीक अच्छे। तो ये हूँ तुम सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण इंपोर्टेंट क्वेश्चन आदि तुम्हें पार आ गोटे क्वेश्चन पढ़ी पार अम्ल एवं अम्ल व धातु अम्ल व धातु मध्य किपल रासायनिक प्रतिक्रिया हो देख आम जानी अम्ल आ धातु जदि रासायनिक प्रतिक्रिया हम तेल से लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी ना तो यहाँ भल भाव में पढ़ीदेव। तो नेक्स्ट आम देखा धातु व अधातु इंपोर्टेंट देखा थर्ड चैप्टर धातु व अधातु इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख फास्ट क्वेश्चन है कौन धातु ऑक्सीजन जल व अम्ल सह कि प्रतिक्रिया कै एवं तहार समीकरण सहित तुम पढ़ मीनस एक धातुटा जदि ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न होमें जाने धातु जदि ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कर धातव ऑक्साइड उत्पन्न हो ठीक अच्छे। तो से देख धातुर आम मेन हूँ जलसह प्रतिक्रिया आम जाने आमर जो विभिन्न धातु गुड़ाक जो रहा जथा आमर सोडियम पोटासीयम तो यह सबू आम कौन थंडा जल सहित प्रतिक्रिया कर आसा मैग्नीशियम हूँ गरम जल सहित प्रतिक्रिया करुँ जो रहा आलुमिनियम हो कि लुहा जिंक ए सब बांफ सहित प्रतिक्रिया करुचे ठीक अच्छे। तो मेन देख धातुटा आम जलसह कि प्रतिक्रिया कै तो यहाँ टे बहुत इंपोर्टेंट। तो से ही आसला अम्ल सह कि प्रतिक्रिया कर तो यहाँ तुम फास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसला देख आयनिक जौगिक कौन एवं यार भौतिक धर्म लेख आयनिक जौगिक क्या कह जाए एवं तहार देख बही तुम चारोटी भौतिक धर्म रही तो से भौतिक धर्म गुड़ाक पढ़व। तो नेक्स्ट आसला तीन नंबर हूँ कैल्सिनेसन व रोस्टिंग कौन देख आम जाने कैल्सिनेसन आउ रोस्टिंग मान हूँ कौन तो आमर कौन सीमित परिमाणर वायु जदि आम कार्बोनेट धातुपिंड को गरम करवा कैल्सिनेसन कह तो से ही रोस्टिंग मान हूँ कौन जथेष्ट परिमाणर वायु सल्फेट धातुपिंड को जदि आम उत्तप्त करवा तो से ही प्रणाली को आम रोस्टिंग कह ठीक अच्छे। तो यह सब तुम जो धातु निष्कासन प्रणाली रहा तो से सब कैल्सिनेसन आउ रोस्टिंग रही तो यहाँ पढ़व। नेक्स्ट आसला अम्लराज नेक्स्ट एम्पोटेरिक ऑक्साइड एवं एनोडाइजिंग देख अम्लराज मैंने आम कौन जानी गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड को जदि आम 3:1 अनुपात जदि आम मिसेबाता अम्लराज प्रस्तुत होता है। तो से ही नेक्स्ट आम आसे कौन एनोडाइजिंग मैंने आम कौन जानी आलुमिनियम एक पतला आवरण ना तो एनोडाइजिंग मैंने हूँ कौन आलुमिनियम गोटे पतला आस्तरण से तो से ही आसला एम्पोटेरिक ऑक्साइड मैंने हूँ कौन एम्पोटेरिक ऑक्साइड मैंने धातव ऑक्साइड को जदि आम अम्ल कि क्षार सहित प्रतिक्रिया करवा कौन कह एम्पोटेरिक ऑक्साइड बा उभयधर्मी ऑक्साइड बोली कहिबा ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डॉट क्रॉस संरचना द्वारा आयनिक यौगिकर गठन माने देखो आमर जो विभिन्न आयनिक यौगिक गुड़ाक रहिला तो से गुड़ाक डॉट क्रॉस संरचना द्वारा तार गठन आम कि जानवा फॉर एग्जांपल देखो आमर रही NaCl तो Na रे आम जानी देख ये कौन गोटे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देव से गोटे ग्रहण कर हाँ कि ना। तो से ही नेक्स्ट आम आसा देख Na2S मीन्स सोडियम सल्फाइड तो एमंर सब कौन डॉट क्रॉस संरचना द्वारा आम आयनिक यौगिक गठन आम बाहर करवा कि आम बाहर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड तो यह सबूर कौन डॉट क्रॉस संरचना भल भाव में देखी थी ठीक अच्छे ना। तो ये है तुम धातु और अधातु इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आम देखा कार्बन व यार देखा फोर्थ नंबर चैप्टर कार्बन व यार यौगिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो फास्ट क्वेश्चन में लिखी कार्बन रे सह संयोजक बंध तो देखो कार्बन रो सह संयोजक बंध माने कौन तो भल भाव में पढ़ो। तो नेक्स्ट आसला सेकेंड नंबर देखो कार्बन रो विभिन्न रूप आम जानी कार्बन रो तीनोटी रूप अच्छी हीरा ग्राफाइट एवं फ्लोरीन तो से जो तीनोटी रूप रहा तो से भल भाव में पढ़ो। नेक्स्ट आसला तीन नंबर है कैटिनेसन व चतु संयोजी मान कौन मीन्स देख आम जानी कार्बन देख विभिन्न मौलिक सहित मिसी अधिक परिमाण में यौगिक सृष्टि कर तो तार दुईट कारण अच्छी गोटे हूँ कैटिनेसन आ गोटे है चतु संयोजी ठीक अच्छे ना। तो यहाँ पढ़व। तो नेक्स्ट आसला पृक्त एवं अपृक्त कार्बन जौगिक तो आपको पढ़व। नेक्स्ट कार्बन सहित बंधुता एवं होमोलोगो श्रेणी देख ये टी भल भाव पढ़व बहुत इंपोर्टेंट रही। नेक्स्ट आसला संरचनात्मक आइसोमर मानने कौन यटा पढ़व। नेक्स्ट आम आसला डॉट क्रॉस संरचना मीन्स देख आम बही विभिन्न डॉट क्रॉस संरचना गुड़ाक हाइड्रोजेन रही तो से ही
भाई आम कौन अक्सीजेन रही तो से भाई नेक्स्ट आम नाइट्रोजेन रही देख मिथेन रही सी एच फोर ठीक अच्छे ना तो यह सब डॉट क्रॉस संरचना गुड़ाक भल भाव देख ठीक अच्छे ना तो ये हूँ तुम चतुर्थ नंबर चैप्टर तो नेक्स्ट टाइम देखा फिफ्थ नंबर चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा फिफ्थ नंबर चैप्टर मौलिक गुड़िकर पर्याय श्रेणीकरण तो देख ए फास्ट क्वेश्चन है डुबेरिन जो ट्राइड समूह रही तो से कतोटी ट्राइड समूह करते तो से भल भाव पढ़ तो से नेक्स्ट आसला न्यूलैंड अष्टक नियम एटाक पढ़ नेक्स्ट थर्ड आसला मेंडेलीफ पर्याय श्रेणी जो रही तो से सफलता कौन एवं त्रुटि कौन ठीक अच्छे तो यह बहुत इंपोर्टेंट तो आपको भल भाव पढ़ नेक्स्ट आसला आधुनिक पर्याय सारणी व मेंडेलीफ पर्याय सारणी मध्य पार्थक्य लेखापी मीन्स आधुनिक पर्याय सारणी एवं मेंडेलीफ जो पर्याय सारणी बनते तो से दुटा भितर कौन पार्थक्य अच्छी भल भाव पढ़ नेक्स्ट आसला आधुनिक पर्याय सारणी वैशिष्ट गुड़िक लिख तो आधुनिक पर्याय सारणी आम कौन कौन वैशिष्ट गुड़ाक रहा तो से गुड़ाक लिख तो से नेक्स्ट आसला परमाणुर आकार धातव व अधातव गुण ठीक अच्छे तो एतिक हूँ तुम फिफ्थ नंबर चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे ना ताल देख आम फिजिकल साइंस पांचटी चैप्टर रु तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देली मुझे देली क्वेश्चन तो से गुड़ाक जब तुम भल भाव पढ़ तेल तुम आराम से तुम फिफ्टन को फिफ्टन मार्क्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तुम इजिली अटेंड कर ठीक अच्छे ना।